नमस्कार, आज हम फिर आ गए हैं अपनी टीम के साथ में एक नई प्रॉपर्टी लेकर के और एक नई लोकेशन पर। डुप्लेक्स कैटेगरी की प्रॉपर्टी है, अभी इसका मैं आपको पूरा रिव्यू कराऊंगा। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये आइए, ये इसका जो है यहाँ से देखिए, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से एंट्रेंस है। उसके बाद तो ये जो है आप ये देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ड्राइंग है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन 18x12 का जो है ये ड्राइंग है। और डाइनिंग अलग है, डाइनिंग भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद ये आप देख रहे हैं पूरा विंडो, आप ये देख रहे हैं, देखिए इधर इसके पीछे जो है ये आपको पार्क मिलता है। यहाँ से आप खड़े होंगे तो पूरा पार्क का व्यू आपको नजर आ रहा है। ये देखिए पूरा पार्क है, बहुत बढ़िया व्यू है, सीनियर सिटीजन पार्क है। देन ये देखिए, यहाँ से मैं आपको और दिखाता हूँ, ये डुप्लेक्स है। ये ऊपर जो है चली जाती है स्टेयर्स, ऊपर दो बेडरूम है, नीचे का भी मैं आपको पोर्शन दिखा देता हूँ। देखिए आइए, ये है आपका ये पूरा डाइनिंग एरिया है। ये देखिए, ये पूरा आपका जो है डाइनिंग एरिया है। और डाइनिंग एरिया के साथ में ये देखिए, ये मैं वापस इधर ड्राइंग में आ जाता हूँ, तो ये आपका सर्विंग यहाँ से डाइनिंग से, जैसे आपके घर में कभी गेस्ट आ जाते हैं तो यहाँ डाइनिंग होगा और यहाँ से आप चाय वगैरह सर्व कर सकते हैं, जो डाइनिंग एरिया तो आपका है। देन उसके बाद जो है एक ये कबर्ड, स्टोरेज कबर्ड एक स्टेयर्स के नीचे बनाई है, यहाँ पर आप इन्वर्टर वगैरह आप अपना रख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इसके बाद ऊपर मैं आपको यहाँ व्यूज दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस डुप्लेक्स कैटेगरी का। ये देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं, दो पंखे लगे हुए हैं, हॉल इतना बड़ा है। उसके बाद आ जाते हैं हम ड्राइंग, अभी मैंने आपको ड्राइंग दिखाया, डाइनिंग दिखाया, अभी ड्राइंग के साथ में ये आपका जो है एक बेडरूम है। ये देखिए, ये आपका बेडरूम है और बेडरूम में आप ये इधर देख रहे हैं, ये कबर्ड, ये देख रहे हैं ऊपर लॉफ्ट है, ये डबल अलमारी का कबर्ड है। और अगर ये इधर ये देखिए, पूरा इधर वेंटिलेशन है, ब्रॉड विंडो है और आप यहाँ वेंटिलेशन देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया वेंटिलेशन है। और इसके साथ जो है ये एक अटैच बाथरूम है, ये टेबल टॉप है। देन ये आप ये देखिए, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, लगभग 7x8 का बाथरूम है। और ये ऊपर देखिए, इसकी रूम भी कितनी ऊँची है, और ये आपका जो है ये आप देख रहे हैं वेंटिलेशन के लिए विंडो भी बनी हुई है। ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के साथ में ये आपको किचन है। ये देखिए, ये ह्यूज किचन, तकरीबन 10x10 की किचन है, ये आप देख रहे हैं, पूरी इतनी बड़ी किचन है। ये टेबल टॉप यहाँ पे मॉडुलर किचन है, ये टेबल टॉप है, ये कबर्ड वगैरह आपकी बनी हुई है, PNG इसमें लगी हुई है। और विंडो भी जो है ये देखिए, पार्क फेसिंग की तरफ विंडो निकलती है। अभी आप फ्रिज, काफ़ी बड़ा फ्रिज रख सकते हैं। ये नीचे एक अटैच कॉमन बाथरूम है, मैं आपको इस कॉमन बाथरूम भी दिखा देता हूँ। आइए चलते हैं अंदर। सेकंड बाथरूम है, ये भी कितना बड़ा बाथरूम है आप जैसे देख रहे हैं। और ये टेबल टॉप देख रहे हैं इधर, आपका ये फाउंटेन लगा हुआ है, और यहाँ से इनबिल्ट वॉल के अंदर आपका WC है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड बेडरूम, आइए मेरे साथ प्लीज़। तो ये जो डाइनिंग एरिया था, डाइनिंग एरिया के साथ देखिए सेकंड बेडरूम है, यहाँ अब हम एंटर कर रहे हैं सेकंड बेडरूम में। ये देखिए, आपने जो अभी बाथरूम देखा था कॉमन बाथरूम है, इसके साथ भी आप ये देख रहे हैं ये अटैच बाथरूम है। ये देखिए, ये कबर्ड्स इस बेडरूम सेकंड बेडरूम में भी कबर्ड्स बनी हुई हैं। और ये देखिए, यहाँ से जो है ये देखिए, बहुत बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, ये आप देख पा रहे हैं, ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है। आप धूप देख रहे हैं, बेडरूम में धूप आ रही है, फर्स्ट बेडरूम में भी धूप थी, सेकंड बेडरूम में भी धूप थी। और यहाँ से अगर बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ आपको जो है एक काफ़ी बड़ी बालकनी मिलती है। ये देखिए रनिंग बालकनी है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये जो था आपका फर्स्ट बेडरूम, और ये देखिए ये रनिंग बालकनी है, काफ़ी ह्यूज बालकनी। अभी आपने जो है ये नीचे जो प्रॉपर जो सेकेंड फ्लोर पे था, आपके दो बेडरूम, दो बाथरूम, ह्यूज किचन, ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग,
और फेसिंग पार्क। अभी मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, जो क्योंकि डुप्लेक्स की प्रॉपर्टी है, अभी ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर की मैं बेडरूम ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं पूरा स्टेयर्स भी पूरा मार्बल लगा हुआ है। और ऊपर आ जाते हैं तो आपका ये एक फैमिली लॉन्ज है, ये देखिए अभी इधर दिखाइए, ये फैमिली लॉन्ज है। और आप वेंटिलेशन आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा अच्छा वेंटिलेटेड हाउस है। और इधर ये देखिए, यहाँ से जब ये देखिए स्टेयर्स पर आए थे और ये ऊपर का इसका जो एरिया है, देन ये पूरा ऊपर का एरिया देखिए, देन यहाँ पर जो है फैमिली लॉन्च के साथ में ये एक बेडरूम इधर खुद आता है। ये देखिए तकरीबन 12x12 का ये बेडरूम है ऊपर का भी। और सामने वही पार्क आपको देखिए, वेंटिलेशन अगर आप देखते हैं तो लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही। और इधर भी आप ये देख रहे हैं फुल वुडवर्क किया हुआ है, देन अटैच बाथरूम है और कॉमन भी है, अटैच भी है। अब ये देखिए पूरा बाथरूम आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये थर्ड बाथरूम है, ये देखिए से ये कॉमन भी है जो कि फैमिली लॉन्ज में जा रहा था। चलिए यहीं से निकल जाते हैं, ये आप देख रहे हैं ये फैमिली लॉन्ज है। उसके बाद ये आ जाता है फोर्थ बेडरूम, ये देखिए ये फोर्थ बेडरूम है, ये भी अच्छा खासा बड़ा साइज का बेडरूम है, 10x11 का ये बेडरूम है, सेम पार्क फेसिंग। और यहाँ पर भी जो है आपको एक रनिंग बालकनी मिलती है। इधर जो है ये देखिए, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जो फैमिली लॉन्ज था, तो यहाँ आपने जो दो बेडरूम ऊपर देखे हैं, अभी ये बाहर इतनी बड़ी बालकनी है, ये देखिए द ह्यूज बालकनी। अगर आप धूप देख पा रहे हैं और देख रहे धूप की बिल्कुल भी कमी नहीं है, देखिए फुल पूरा इतना बड़ा बालकनी है, ह्यूज बालकनी। अगर आप यहाँ कोई पार्टी गेट टुगेदर करते हैं तो एटलीस्ट 70-80 लोग जो है यहाँ पर आकर के आप अपना जो 70-80 लोगों की पार्टी यहाँ कर सकते हैं। और ये देखिए आप देख ही रहे, और ये फैमिली लॉन में ये आपका जो आप ये देख पा रहे हैं सामने की तरफ, ये विंडो इधर भी है। ये ऊपर जो है टेरेस भी आपको मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं ये टेरेस है। और यहाँ पे जो है एक स्टेयर्स आप लगा सकते हैं, यहाँ से स्टेयर्स लगा के जो है ये ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है, ये ऊपर टेरेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने पूरी देखी, डुप्लेक्स कैटेगरी की प्रॉपर्टी है, 4 बेडरूम 3 बाथरूम, 2 बड़ी बालकनी, 1 छोटी रनिंग बालकनी और फुली वेंटिलेटेड हाउस। इसका तकरीबन जो एरिया है 3,500 स्क्वायर फीट का एरिया है, थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है इसमें। और आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और इसकी जो बात कर लेते हैं कॉस्ट की, देखिए इसकी जो डिमांड है 1.65 to 1.70 CR के बीच में रखी गई है। और अगर आपको ये हमारी प्रॉपर्टी पसंद आए तो आप हमें नीचे फ्लैश हो रहे नंबर वही है हमारा 8368535544, सुबह 10 से 7 बजे तक आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें एक दिन पहले बता दीजिए, हम आपके लिए चाबी का बंदोबस्त करेंगे और आपको ये प्रॉपर्टी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई प्रॉपर्टी में और नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।